नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में रविवार को हुई नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों और बैठक में शामिल होने आए राजनेताओं व अधिकारियों का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर ममता बनर्जी का स्वागत किया तो उन्होंने भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। पश्चिम बंगाल राज्य के विभिन्न हिस्सों में बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप। राज्य भर में अब तक 3104 लोग डेंगू से संक्रमित हैं। सोमवार को कोलकाता के कालीघाट के रहने वाले 12 वर्षीय छात्र की डेंगू से मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की विशेष सतर्कता। मवेशी तस्करी कांड में अभियुक्त तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिला सभापति अनुव्रत मंडल आज भी नहीं पहुंचे निजाम पैलेस स्थित सीबीआई के दफ्तर। सीबीआई दफ्तर में अनुव्रत मंडल को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन अनुव्रत मंडल निजाम पैलेस न जाकर एसएसकेएम अस्पताल अपने इलाज के लिए पहुंचे। अनुव्रत मंडल की शारीरिक अवस्था अस्पताल में भर्ती कराने लायक नहीं है। प्राथमिक चिकित्सा के बाद उन्हें अस्पताल से लौटा दिया गया। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट स्थित इंडियन म्यूजियम में तैनात सीआईएसएफ के जवान ने छुट्टी नहीं मिलने पर परेशान होकर चलाई थी अंधाधुंध गोलियां। इस घटना में सहयोगी सीआईएसएफ जवान की मौत हो गई थी। आरोपी सीआईएसएफ जवान को 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। बताया जाता है कि हेड कांस्टेबल अक्षय मिश्रा ने AK-47 राइफल से अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें सीआईएसएफ अधिकारी रंजीत सारंगी की मौत हो गई थी। फरवरी महीने में कराए जा सकते हैं पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव। साथ ही राज्य में समय समाप्त हो रहे 7 नगर पालिकाओं के चुनाव भी पंचायत चुनाव के साथ कराए जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन कमीशन इन चुनाव को लेकर कर रही है तैयारियां। मंगलवार से कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस, आवर मिशन। नमस्कार। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।